गेट जैसे कह देते हैं। हाँ हाँ जी हाँ। उधर से बताओ, उधर से ठीक। ये भ्रूण है, इसमें अंडा बच्चा है, इसके अंदर। आप लोग जाली लगा लो, जाली लगा लो और उस साइड खड़े हो जाओ। देखो इधर आओ, इसमें दिख रहे हैं कोष्ठक में अंदर कुछ। हाँ, आपको हाँ, क्या चमक रहा है? पीला सा है। नहीं नहीं, ये सफेद सफेद। हाँ, बारीक बार की बर्फ। हाँ, हाँ, लार्वा होगा ये। हाँ, लार्वा है और कुछ इसमें अंडे हैं। ये लार्वा खाती रहती है इसमें? नहीं। अच्छा, अंडा बच्चा बनते से ही तो होती है। बच्चा इसी से? ये तुम्हारा, ये तुम्हारा नर है। ये नर, इसके डंक नहीं होता, इसका डंक नहीं होता। अच्छा, एक ही नर होगा और भी? नहीं नहीं, नर तो काफी होते हैं, कई सौ होंगे, कई सौ होंगे, लेकिन रानी मक्खी एक ही होगी। अच्छा। हाँ। वर्करों की संख्या हजारों में होती है। हाँ। और जो दूसरा निकाल लिए, दूसरा नर होते हैं उनकी संख्या होती है सैकड़ों में, सैकड़ों। रानी की संख्या एक होती है। हाँ। तीन तरह के सदस्य होते हैं। हाँ। एक परिवार में कुछ लेके निकल जाएंगे। अच्छा। हाँ। अगर दो रानी, एक ही रानी रहेगी, एक डिब्बे में रानी बंटवारा कर लेगी, सोतन वाला मामला हो गया। हाँ, नहीं रहेगी परिवार में। और जो नर है वो भोजन भी अपने हाथ से नहीं करता। हाँ, वो करे ही ना, वर्कर ही भोजन कराता है। परिवार बना लियो, घर वाली ला रही पर्वत का। ये है रानी मक्खी, ये रही। अच्छा, जो नीचे पड़ गई है वो? हाँ, हाँ, वो अंदर उस साइड गई। अच्छा, घुमा लीजिए। ये रानी मक्खी, ये डब्बा में ये रही। एक ही रानी मक्खी होती है। देखिए लंबी है, गोल्डन कलर की है, नई रानी मक्खी आज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसका काम खाली खाना और अंडा देना। ये सबसे अलग है ये। हाँ जी, एक ही मक्खी होती है, एक ही बॉक्स में। ये रानी मक्खी तो देखी आपने? ये ये हलाल सबसे अलग, थोड़ी सी लंबी होगी हम सबसे। अगर सेल रानी मक्खी उठाती है तो ऐसे कलर आगे को कर देती है, मूंगफली जैसा नीचे लंबा कर जाता है इसको। और इसमें रॉयल जेली की मात्रा भी बहुत ज्यादा डालती है, इसके अंदर ही जमा कर देती है। नहीं, नहीं, रॉयल जेली। बस हमारी समझ से बंद करिए, मक्खी डिस्टर्ब हो रही है। जो आती आती मक्खी है ना सामने वाली, वो देखो नाच रही है और डिस्टर्ब हो रही है। ये जितना भी दिख रहा है ये वर्कर है सब। कमीरी जो बाहर जा रही है इसको बोलते हैं कमीरी मक्खी। और जो अभी ड्रोन पकड़ के दिखाए थे नर, वो बहुत कम संख्या है इसमें। ये ऑफ सीजन में मक्खी है, इसको खत्म कर देती है, भोजन देना बंद कर देती है, भोजन देना बंद कर देती है। क्यों? ये खाता है, कोई काम का है नहीं इस टाइप। ये मई में आपको नहीं मिलेगा, मई वर्कर लाता है ये, ये, ये खाता है, खुद नहीं खाता। हाँ। इसको खिलाते भी हैं वर्कर ही। हाँ। नर्को, नर्को। हाँ। ये राजा होता है ना, फील्ड पे वर्कर संख्या कम हो जाए, नेक्टर पॉलिन की कम हो जाती है। हाँ, हाँ। तो ये लोग उसको स्वतः भोजन देना बंद कर देते हैं। अपनी पूर्ति होती है। हाँ, खुद अपने बच्चों को देंगे कि उनको देंगे। हल्का सा मीठा सा, ये बहुत बढ़िया शुगर, ये चॉकलेटी कलर का होता है स्वाद का। ये इसकी बीट है? ना 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 ना, ये पोलन है जो आप खेत में जाओगे कपड़ों में लग जाता ना पीला पीला, सरसों के ये वो चीज है पोलन। अच्छा, जो पीला पीला रेशा सा लगता है। हाँ, जैसा। ये वो मधुमक्खी इकट्ठा करती है। तो अच्छा, अच्छा, इसको आप सुखाओगे ना तो मेथी जैसा बचेगा। क्या चीज है? अच्छा, ये ओवरलैपिंग है, मक्खी बढ़ रही है। ओवरलैपिंग, ये देखिए ड्रोन के छत्ते हैं, ये ड्रोन के बड़े। इसमें जो भी नर डालेगा, बच्चा डालेगा, मतलब क्वीन एगलिंग करेगी तो इसमें से बच्चा निकलेगा, वो नर का होगा। और जो देखो उसमें छोटे ना सेल थे, ब्राउन कलर का था। इसमें शहद नहीं बनता, इसमें केवल वो बनेगा। इसमें कोई अगर अंडा डालेगी, अंडा डालेगी तो इसमें कोई शहद तब बनता है जब इसके ऊपर एक क्वीन स्क्यूटर जाली आती है, उसको लगा देते हैं तो रानी मक्खी ऊपर अंडे नहीं देने पाती। जैसा वर्कर हमारा निकल जा रहा, उस जाली से वर्कर निकल जा रहा बराबर, वो सुपर पे लगता है जाली। शहद को एक आध कोई ना,
बस ठीक है, शाम को अपने आप ये भी और देख लो, एक दिन से लग रहा है देखने नहीं बन रहे टीवी चले। क्वीन मेट हो गई फिर। देखो नहीं नहीं ये बताऊंगा मैं आपको, ये जो चमक रहा है हाँ। इसको हनी कहते हैं, सेहत इधर इतने भी एरिया में ही रखती है ये। अच्छा अच्छा, ये जो चमक रहा है ये सेहत है, अंदर चमक रहा है। हाँ जी ये हाँ, चमक रहा है। अच्छा जी ठीक ठीक। अच्छा ये नीचे नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नीचे तो अंडा बच्चा लार्वा पूपा। नहीं नहीं गिरेगा नहीं, मिल नहीं रहा लग रहा। हाँ फीड है ही ना, क्या मिल रहा है? मिल जाता है कि आज मिल रहा फील्ड में कि नहीं, जब आप छत्ते को बैठा करेंगे तो ऐसे ही टपकेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत होती है ना। ये क्वीन बनाने वाले बॉक्स हैं। हाँ जब मक्खी बढ़ती है ना तो काट के ऐसे ही बॉक्स में रखी जाती है। इसमें हम रानी मधुमक्खी डिवीजन करके रानियां पैदा करा सकते हैं दो प्रकार, क्योंकि वो 10 सेंट की पूरी है। इसमें जल्दी टेम्परेचर, छोटा डिब्बा इसमें टेम्परेचर भी बढ़िया बन जाएगा। अगर हम दो फ्रेम बड़े बॉक्स में रखेंगे तो टेम्परेचर नहीं बन पाएगा इसमें टेम्परेचर। चलो आ जाओ आप, जो आप के राशन कार्ड के राशन वाली दुकान है, घर कह लो उनका राशन डीलर, पास आओ आप, बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग इधर फील्ड पे चले आए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करा रहे हैं मधुमक्खी का। आप पहुंचो वहाँ राशन डीलर है ना, उनके घर के पास, ठीक है। ये फोल्डर में है, ऐसे खा सकते हैं जी, सुबह ये आधी चम्मच इसमें जो है, कम है तो आधी चम्मच शहद आधी चम्मच पोलन, इसमें प्रोटीन 35-40% नेचुरल है ये, बिल्कुल कोई मिलावट, जो वो हल्दी टाइप है वो नेचुरल नहीं है इतना। नहीं नहीं यही तो है नेचुरल, यही तो हल्दी टाइप का है जो सरसों से आता है, वही तो है, वही तो है ना, जो वहाँ लग जाता तो वो इतना नहीं, ना वही चीज है वो। हम आप कपड़ों में लगने का उदाहरण दिए कि जब जाते हो तो लगता है, तो मधुमक्खी इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल, दो काम करती है, एक तो पॉलिनेशन का करती, पर परागण का, इसके शुक्राणु उसमें उसके इसके, और उसके बाद उसमें जो पॉलन होता है वो कलेक्ट करके लाती, वो चीज ये वो है, इसको इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ तलहनी और तलहनी फसल पे 35-40% तक की पैदावार बढ़ाती है मधुमक्खी पॉलिनेशन करके। जैसे अभी यहाँ के कुछ लोग जो हैं सेब के बागान हिमाचल है या फिर आपके उत्तरांचल है, यहाँ पे लोग ले जाएंगे, उनको बाग वाले किराया भी देंगे। किराया देंगे। ये जैसे ये सरकार पे ऐसे भी देती है वहाँ पे।